हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्योतिष क्रिएटिविटी। दोस्तों, अगर खूबसूरती का क्या पैमाना है कोई पूछे, तो मैं इस फूल का नाम लूँगी, बेहद ही खूबसूरत फ्लावर। इतना कुदरत ने इसे रंग भरा है, डिफरेंट डिफरेंट कलर शेड के ये आते हैं। बेहद ही खूबसूरत विंटर का फ्लावरिंग प्लांट जिसे पैंजी कहते हैं। इसे मंकी फेस, कैट फेस, बटरफ्लाई फ्लावर आदि इत्यादि नामों से जाना जाता है। दोस्तों, बेहद ही चटखीले अलग अलग रंगों में ये आती है और विंटर में आपकी बगिया में शान बढ़ाती है, बगिया की शान बढ़ाती है। बहुत ही सुंदर, देखिए कितना वाइब्रेंट कलर ऐड कर रहा है ये मेरे गार्डन को, बिल्कुल ही ब्यूटीफुल बन गया है मेरे गार्डन में। इतना खूबसूरत, मानो कि कुदरत ने हर एक रंग इसके अंदर भर दी हो। दोस्तों, विंटर का ये बेहद ही ब्यूटीफुल फ्लावरिंग प्लांट जिसे पैंसी कहते हैं, और ये छोटा सा होता है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई इसकी नहीं होती है, और हैंगिंग बास्केट में भी इसे लगाया जाता है। तो दोस्तों, आज मैं इसी के बारे में आपको कुछ जानकारी दूंगी। और बहुत ही सुंदर और लो मेंटेनेंस फ्लावरिंग प्लांट होता है, सनलाइट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है इसकी, और कम सनलाइट में भी ये अच्छे से ग्रो करता है। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो की टॉपिक को मैं शुरू करती हूँ, तो लास्ट तक मेरे साथ वीडियो में बने रहे। दोस्तों, इसको कैसी मिट्टी चाहिए, इसे कितनी सनलाइट चाहिए, वाटरिंग कितनी करनी चाहिए, फर्टिलाइज़र क्या ऐड करें, और साथ ही बॉयला और पैंजी में क्या डिफरेंस होता है, वो सब कुछ आपको बताऊंगी। दोस्तों, तो ये देखिए, ये बॉयला है और ये देखिए, ये बॉयला है जो कि पैंजी से थोड़ी छोटी होती है और पैंजी थोड़ा बड़ा होता है। बस यही एक डिफरेंस होता है वॉयला और पैंसी, बल्कि देखने में दोनों सेम ही होते हैं फ्लावर्स, लेकिन साइज़ का डिफरेंस होता है। पैंसी बड़े बड़े होते हैं और वॉयला छोटी छोटी। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल पर फर्स्ट बार विज़िट किया है और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, साथ ही बेल बटन आइकन को भी प्रेस करें दोस्तों, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिले। तो दोस्तों, चलिए इसकी मिट्टी की बात कर लेते हैं। तो इसकी मिट्टी की बात करते हैं दोस्तों, तो काफ़ी वेल ड्रेन सॉइल चाहिए इसको, साथ ही हमें थोड़ा ऐसी इसकी पॉटिंग मीडिया बनानी चाहिए कि कंपोस्ट थोड़ा अधिक दे, ताकि इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर होल्ड कर सके। और हम लोगों को एक पार्ट गार्डन सॉइल, एक पार्ट रिवर सैंड और दो पार्ट इसमें बर्मी कंपोस्ट का ऐड करना चाहिए, क्योंकि बर्मी ये थोड़ा सा रिच फर्टाइल सॉइल पसंद करता है। क्योंकि आप देख ही रहे हैं कितना फुल ब्लूम कर रहा है ये मेरा पैंसी का प्लांट, और मैंने इसको एक इस तरह रेक्टेंगुलर प्लांटर में लगाई हुई है, और एक प्लांटर में तीन तीन प्लांट लगाए हैं। अगर दो प्लांट भी मैं लगाती तो ये पूरा फुल हो जाता, कवर कर लेता, और इस तरह से इसको बहुत ही रिच सॉइल में लगाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये ब्लूम करता है दोस्तों, भर भर कर फूल देते हैं पैंसी के प्लांट। तो दोस्तों, अब इसकी बात कर ले हम लोग वाटरिंग की। तो वाटरिंग इसको इस तरह से करिए कि मिट्टी सूखने ना पाए, लेकिन ओवर वाटरिंग मत करिए और अंडर वाटरिंग भी मत करिए। ओवर वाटरिंग करेंगे तो इसके रूट सड़ जाएंगे, इसमें रूट रॉट की प्रॉब्लम हो जाएगी, और अंडर वाटरिंग करेंगे तो प्लांट डल सा हो जाएगा, पत्तियां मुरझुक जाएंगी और फूल मुरझा जाएंगे, और उससे फूल जल्दी स्पेंड हो जाते हैं। एक बार खिलता है ये फ्लावर तो कम से कम 3 से 4 दिनों तक इसके एक फूल बने रहते हैं, और स्पाइक्स में ये खिलती है ऊपर डंडी निकलकर, और फिर फूल डंडी से लटक कर खिलती है, और अगर पानी कम देंगे तो फूल जल्दी ही मुरझा जाएगी। और अगर हम लोग ओवर वाटरिंग करते तो पत्तियाँ थोड़ी सी उतनी अच्छी दिखेगी नहीं, जैसा मेरा देखिए हेल्दी सा दिख रहा है, इतना वो अच्छा फिर दिखता नहीं है, पीला पीला टाइप का हो जाता है। और
इस तरह से वाटरिंग करें और पत्तियों के ऊपर वाटरिंग ना करें दोस्तों। जब भी वाटरिंग करें तो मिट्टी चेक कर कर वाटरिंग करें और ड्राई होने के पहले ही उसमें थोड़ा सा मतलब कि पानी डाल दें ड्राई होने के पहले, और स्पेन फूलों को बिल्कुल पिंचिंग करके हटाते रहिए, क्योंकि नहीं हटाने से क्या होगा, जो भी हम लोग न्यूट्रिशन ऐड करेंगे, फर्टिलाइज़र वगैरह देंगे, तो ये स्पेन फ्लावर भी अब्सॉर्ब करेगा और फिर जो कलियां बन रही है उनको ताकत नहीं मिलेगा। तो पिंचिंग बेहद ही ज़रूरी प्रक्रिया है और हर फूल के पौधों में पिंचिंग कर लेना चाहिए हम सभी को, और इस तरह से सभी फूलों को पिंचिंग हम लोगों को करनी चाहिए। सिर्फ इसकी ही नहीं मैं बातें कर रही हूँ, तो इस तरह से एक डेली ही हम गार्डनर्स को ये रूटीन रखना चाहिए कि जैसे पिटूनिया वगैरह में बहुत पिंचिंग करना पड़ता है, वरना सीड बनाने लगेगा प्लांट और वो समझेगा कि उसकी प्रक्रिया लाइफ साइकिल पूरी हो गई है। तो इस तरह से हम लोगों को पिंचिंग बहुत ज़रूरी है पिंचिंग करना। और नीम फर्टिलाइज़र की बात करूं दोस्तों, तो जैसे कि हम लोग इस ये भर भर कर फूल होता है तो सरसों खली के लिक्विड फर्टिलाइज़र हर हफ्ते तो देते ही हैं, तो बीच बीच में हम लोगों को एक चम्मच DAP 2 लीटर पानी में और एक चम्मच पोटास रात भर पानी में 2 लीटर पानी में डिसॉल्व करके सुबह वाटरिंग कर देनी चाहिए, लेकिन पत्तों के ऊपर नहीं करनी चाहिए। साथ ही बर्मी कंपोस्ट का भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर हम लोग दे सकते हैं। और देखिए कितना सुंदर पूरा बुके के जैसा ये लग रहा है हमारा ये प्लांट पैंसी का, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो इस तरह से इसे फर्टिलाइज़र भी ऐड करते रहें टाइम टू टाइम, क्योंकि फुल ब्लूम करता है ये हम लोग का प्लांट दोस्तों। इसे आप NPK की लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, साथ में NPK 20-20-20 की फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं इसके ऊपर, और जिससे प्लांट काफ़ी हेल्दी रहेगा। और NPK 20-20-20 को आप इंडोर प्लांट्स के ऊपर भी फोलियर स्प्रे कर सकते हैं, और मैं किसी दिन वीडियो बनाकर आप सभी के साथ शेयर करूँगी कि NPK 20-20-20 को किस तरह से फोलियर स्प्रे करें दोस्तों अपने प्लांट्स के ऊपर। तो फर्टिलाइज़र तो हम लोगों को ज़रूर ही इसको टाइम टू टाइम देना चाहिए, सरसों खली की लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं बनाकर। और सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र देने से क्या होता है कि हर तरह की न्यूट्रिशन प्लांट्स को मिल जाती है और बेहद ही प्लांट का फोलिएज भी ग्रीन रहता है और फूल तो सुंदर से खिलते ही हैं। और कलियों को सीड ना बनने दें, टाइम टू टाइम पिंचिंग करें दोस्तों। और बात करूँ अगर सनलाइट की दोस्तों, तो पैंसी के फ्लावर को बहुत ज़्यादा सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, 2-3 घंटे की सनलाइट काफ़ी होती है इसके लिए। और देखिए इसे कैटफिश भी इसलिए, ह्यूमन फेस भी इसलिए कहते हैं कि देखने से देखिए लगता है ना कि कोई फेस की आकृति बना हुआ है, इसीलिए इसे कैट फेस, मंकी फेस या ह्यूमन फेस कहा जाता है। और इस तरह से ये सामने फेस करते हुए ऐसे दिखती है, और तितली फूल भी इसलिए बोलते हैं कि ऐसे लगता है कि पौधे में बहुत सारी तितली बैठी हुई है, जब हवा चलता है तो उसकी पंखुड़ियाँ इस तरह से हिलती हैं तो ऐसा लगता है कि तितली उड़ रही है। तो दोस्तों और बात करूँ सनलाइट की, तो इसे बहुत ज़्यादा सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और इसे हम लोगों को सेमी सेड प्रोवाइड करना चाहिए। जब विंटर काफ़ी हो तो उस समय तो चल जाता है ये फुल सनलाइट में, लेकिन जैसे जैसे क्योंकि ये अप्रैल तक ब्लूमिंग करता है तो फरवरी के बाद जैसे जैसे सनलाइट हार्श होते जाती है तो इसको थोड़ा सेमी सेड प्रोवाइड कर देनी चाहिए, जैसे किसी बड़े प्लांट के नीचे, या फिर आप इसे ऐसी जगह रखें जहां सुबह की मॉर्निंग की सनलाइट इसे मिले और दोपहर की सनलाइट स्कॉर्चिंग धूप से इसे बचा पाए हम लोग, तो ऐसी जगह इसको हम लोगों को प्रोवाइड करनी चाहिए। ग्रीन नेट के नीचे भी इसे हम लोग रख सकते हैं, लेकिन मैंने अभी तक अपने गार्डन में, टेरेस गार्डन में ग्रीन नेट नहीं लगवाई है, तो मैं इसे ऐसी जगह रखी हूँ जहाँ बस सुबह की ही सनलाइट पड़ती है, और थोड़े दिनों में मैं इसे और ऐसी जगह शिफ्ट कर दूंगी जहाँ 1 घंटे की धूप आती हो। अभी तो थोड़ा चल भी जा रहा है, कुछ दिनों के बाद धूप और भी ज़्यादा हार्श हो जाएगी, तो उस समय इसको और थोड़ा सेड प्रोवाइड करना पड़ेगा दोस्तों। बात करूँ पॉट की, तो ये
आप इसे एक सिंगल सिंगल पॉट में भी लगा सकते हैं और जिस तरह से मैंने लगाई है वैसे भी आप लगा सकते हैं, छोटी बड़ी कोई भी पॉट में ये आसानी से ग्रो हो जाएगी दोस्तों। और प्रोपगेशन की बात करूं दोस्तों, तो मैंने इसे सीड से ग्रो की है और वोइला को मैं ख़रीद कर लाई थी छोटी छोटी सैपलिंग, और पैंजी को मैंने सीड से ग्रो किया है। तो सीड से भी काफ़ी आसानी से जर्मिनेट हो जाता है और नर्सरी से भी आप छोटे छोटे सैपलिंग बाय करके ला सकते हैं दोस्तों, और कटिंग से भी प्रोपगेट हो जाता है। लेकिन विंटर फ्लावरिंग प्लांट का लाइफ साइकिल बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो कब हम कटिंग से ग्रो करेंगे और कब हम फ्लावरिंग लेंगे आनंद फ्लावरिंग की, तो इसीलिए छोटी छोटी सैपलिंग खरीद कर भी लगा सकते हैं और सीड से तो काफ़ी अच्छे से ये जर्मिनेट होता ही है। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आप सभी के लिए इंफॉर्मेटिव रहे, और साथ ही नीम ऑयल का छिड़काव करते रहें, बीच बीच में पेस्ट अटैक ना हो इसके लिए निरंतर प्रयासरत रहें कि अपने गार्डन में स्प्रे करते रहें नीम ऑयल का। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि वीडियो आप सभी के लिए इंफॉर्मेटिव हो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले दोस्तों, साथ ही सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को। अब इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ दोस्तों, तो टेक केयर, टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, गो विद ग्रीन, हैप्पी गार्डनिंग।